आप अपने पति पर जरा लगाम कस के रखिए, क्योंकि इनकी हस्त रेखाएं ये बताती हैं कि ये किसी दूसरी औरत के चक्कर में फंस सकते हैं। अभी अभी मेरे पास मेरी चंड सहेली की एडिटर कलावती शर्मा का फोन आया था खुद, और उन्होंने कहा है कि वो कल रात को भटके हुए पतियों को वश में करने के लिए एक यज्ञ कर रही है, तो बस मैं और आप साथ चलेंगे। आज रात को भाभी जी भी घर पे नहीं है, तो क्यों ना आज हम लोग कोई पार्टी शार्टी करे। और भाभी जी एक गोल बटोल बल्ब की तरह है जिससे आपका पूरा घर रोशन रहता है। तो कौन आ गया? अरे हुआ तुम्हारा वो बदतमीज दोस्त। अब भगवती जाइए, खोलिए फिर शुरू करें, खोलिए। दरवाजा बंद कर दीजिए। आदाब। कौन है आप? वैसे तो कानपुर की अय्याश तबीयत लोगों ने मेरे काफी सारे नाम रखे हैं, अगर सारे बताने बैठूंगी तो रात बीत जाएगी। वैसे इस नाचीज को हुल्फाम कली कहते हैं, क्या मैं हुजूर का इसमें शरीफ दरियाफ्त कर सकती हूँ? विभूति विभूति नारायण मिश्रा। अरे बोलिए ना, खाकसार को मनमोहन तिवारी कहते हैं। माशाल्लाह आप दोनों तो बड़े ही गदर पीस हैं। लगता है आज जवानी गर्दा गर्दा हो जाएगी। देखिए आप गलत समझ रही हैं, यू हैव अ रॉन्ग आइडिया अबाउट अस, वी आर स्ट्रेट, एटलीस्ट आई एम स्ट्रेट। आप प्लीज जाइए यहां से। हुल्फाम कली अगर एक बार कहीं जाती है तो गजल सुनाए बगैर वापस नहीं लौटती। आप नहीं समझ रही हमारी बात। देखिए हमें आपकी गजल नहीं सुननी है, दैट्स ऑल, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ओके ऑलराइट, चलिए प्लीज। अगर आपने हमारी गजल नहीं सुनी तो चीख चीख कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दूंगी। बाहर किसी को मत बताइए वरना हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आप दिखाइए, सुनाइए सुनाइए। दिखाई लिए यूं के बेखुद किया, दिखाई लिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई प्रेम, ये तूने क्या बवाल भेज दिया घर पे यार? क्यों क्या हुआ विभूति, पसंद नहीं आई क्या? अब तूने कहा था गुलफाम कली आएंगे, अब गुलफाम कहाँ है, कली आ गई यार ये तो। और यार ये गजल पे नाच रही भाई गोट, गजल पे।
तो है ना यूनिक पीस। तू 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 कब आ रहा है यार? अबे ओए, मैं तो उसका डांस अक्सर देखता रहता हूँ। मैंने सोचा क्यों ना तुम गरीबों को भी दिखा दूँ। यार देख, मुझे नहीं देखना था फालतू डांस। सुन मेरी बात, देख अगर किसी ने देख लिया ना और अनु को बोल दिया कि उसकी गैर मौजूदगी में घर में छमिया नाच रही थी, तो जानता नहीं अनु को, मुझे कपड़े उतार के घर से बाहर निकालेगी। अनु आ गई। देखिए ना अंगूरी जी, पूरा का पूरा प्लान चौपट हो गया। पता नहीं विभू ने मेरे लिए खाना बनाया होगा कि नहीं, और हम तो सोच रहे दरवाजा कौन खोलेगा, लड्डू के भैया घोड़े बेच कर सो गए होंगे। चलिए कल मिलते हैं। हाँ बाय। भाभी जी खत्म हो गया, भाभी जी और अनु आ गए, होगा अब क्या होगा? क्या मैं भाभी जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुंह की पड़ी हुई सड़े हुए मुंह की, अनु मेरा क्या हाल करेगा? भाभी जी का इसमें शरीर, अरे छोड़िए ना उसको, आइए जल्दी आइए, चलती 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 आ जाना प्लीज। आइए आइए। यस। हे अनु, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम तो सुबह आने वाली थी ना बेबी। अरे वो पंडित जी का उनकी बीवी से झगड़ा हो गया। हाँ। उनकी बीवी ने पंडित जी का सर फोड़ दिया, सारा यज्ञ कैंसिल हो गया। ओह गॉड। तो अब क्या करोगी? क्या करोगी मतलब? हाँ। अरे मेरा घर है, आराम करूंगी। ये फीमेल परफ्यूम की स्मेल कहां से आ रही है? मैं तो लगाता नहीं फीमेल परफ्यूम, बाहर से कैसे आ रही होगी। आई डोंट नो। चल चलो एक काम करते हैं, कहीं कहीं घूमने चलते हैं। लेट्स गो आउट, यू नो, कहीं बाहर होटल में खाना खाते हैं। लेट्स गेट आउट फ्रॉम हियर। इतनी रात को कौन घूमने जाएगा? तिवारी जी कहाँ हैं? आई डोंट नो, हाउ वुड आई नो, आई हैव नो आईडिया वेयर इज ही। घर पे होंगे अपने, आई हैव नो आईडिया। व्हाट डू यू मीन आई डोंट नो? पहली बार दरवाजा तो उन्होंने खोला था, फिर चीखे थे। दरवाजा मैंने खोला था बेबी, मैंने दरवाजा खोला था। तुम मुझे देखकर दरवाजे पे चीखे थे? हाँ, तुम्हें देख के चीख निकल गई मेरी, मतलब यू नो आई वाज सरप्राइज्ड। मैंने कहा तुम कैसे आ गई, बंद कर दिया मैंने। हाथ हटाओ। ये क्या है? ये क्या बाजारों सी शर्ट पहनकर बैठे हुए हो? कोई घर में आने वाला है? किसी का वेट हो रहा है? नहीं। बाहर जाने वाले हो? नहीं, एक्चुअली वो शर्ट खरीद ली थी और तो बाहर तो पहन नहीं सकते इस शर्ट को, तुम तो जानती हो, और तुम्हें पसंद भी नहीं है, तो मैंने कहा घर में पहन के खपा लो, तो मैंने खपा ली। कहाँ जा रही हो? बाथरूम जा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। गो गो गो। कौन है बाथरूम? कौन होगा बाथरूम में? कोई 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 भी तो नहीं। वो असल में क्या वो हो सकता है, वो सेल्फ लॉक हो गया था। नो इट गेट्स स्टक समथिंग। तिवारी जी आप? माफ कीजिएगा भाभी जी, हमने आपका टॉयलेट इस्तेमाल कर लिया। विभू तुमने तो कहा था तिवारी जी घर पर है ही नहीं। और एक मिनट, तिवारी जी आप ही ने दरवाजा खोला था ना? जी हम ही ने खोला था। फिर आपने चीख कर बंद क्यों कर दिया?
वो क्या है भाभी जी कि आपको देखते ही हमें बहुत जोर से प्रेशर लगा और बस हमारी चीख निकल गई। देखो मैं इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा था। This is so embarrassing. That's okay. लेकिन अभी बाथरूम से एक लड़की की चीखने की आवाज आई है। भाभी जी, हमारी चीख थी। तिवारी जी, आपकी इतनी पतली चीख कैसे हो सकती है? वो क्या है भाभी जी कि जब भी हम कुछ तीखा खा लेते हैं ना तो बाथरूम से ऐसी ही आवाज आती है, एकदम पतली सी। खैर छोड़िए, आप दोनों जाइए नीचे, मुझे वॉशरूम यूज करना। डार्लिंग, मेरी बात मानो, तुम जाओ नीचे, मैं जरा रूम स्प्रे मारता हूँ, एयर फ्रेशनर मारता हूँ, डिसइंफेक्ट करता हूँ। डार्लिंग, हाइजीन हाइजीन, ऑफ कोर्स, प्लीज रूम फ्रेशनर डाल देना, प्लीज मेक इट बेटर। मैडम, मैडम आ जाइए। आप मेरा जनाजा निकलवाएंगी? चीखी क्यों इतनी जोर से आप? और नहीं तो क्या करते, कितना बड़ा कॉकरोच था अंदर। सब सुनी, मेरी बात ध्यान से सुनी, मैं जा रहा हूं नीचे, जाके सीढ़ी लगाऊंगा, आप बालकनी से सीढ़ी से उतर के दफा हो जाइएगा, अंडरस्टैंड? मुफ्त में दफा हो जाऊं? मेरे पैसे कौन देगा? और प्रेम चौधरी और गुटकी, कितने होते हैं आपके पैसे? एक पीरोग्राम के 5,000 लेती हूँ। अनिता जी देखिए ना, हमारा घर बंद है, पता ना ही लड्डू के भैया कहाँ चले गए, पूरी गली में ढूंढ लिया, लड्डू के भैया कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। अरे अंगूरी जी, यही तो हैं आपके लड्डू के भैया। कहाँ है? पतिया। लड्डू के भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, वो तुम तो चली गई थी ना पगली, तो घर में हमारा मन नहीं लग रहा था तो बस फिर हम बबूती जी के साथ गपशप लड़ाने चले आए। एक्चुअली तिवारी जी इज राइट, यू नो अनु, तुम चली गई थी तो मैं बड़ा बोर हो रहा था तो मैंने तिवारी जी को बुला लिया। ग्रेट टाइम, बहुत मजा आया तिवारी जी। एक्सक्यूज मी। अरे बिबू तुम कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली वो सक्सेना जी नीचे से आवाज लगा रहे थे, कह रहे थे कि मेरी बैटरी जरा लो है, जरा कूट जाइए, जरा कूट के आता हूँ, चार्ज करके आता हूँ, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। चलो लड्डू के भैया चलते हैं। अरे इतनी जल्दी क्या है पगली। तिवारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंगूरी जी, रुकिए ना, मैं बिबू से ना बहुत अच्छा सा डिनर बनवाती हूँ, साथ मिलकर डिनर करेंगे। गोरी मैम तो अंगूरी भाभी के साथ में पूजा करन गई हैं, तो फिर जी भैया विभूति उनकी गैर मौजूदगी में जो कौन सुकांड कर रहे हैं पता करने पड़ेगो। अरे दादा जो का, अरे विभू, अच्छा हुआ तुम आ गए, हम लोगों को कितनी भूख लग रही है, जल्दी से ना अच्छा से कुछ डिनर में बना दो। श्योर, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, में जरा फ्रेशन अप हो गया था। अच्छे से फ्लश कर देना। ठीक बा ठीक बा, पेट कर देते हैं। अरे दादा ये ससुर भैया विभूति ने अपनी बालकनी में सीढ़ी काय लगाई, कहूं ससुर बेरोजगारी के चक्कर में अपने घर ही में चोरी करने लगे का, नल्लेपन की हद है ससुर, देखने पड़े वो। चीखा। चीखा।
किसकी आवाज थी? हप्पू सिंह जी, हप्पू सिंह जी। निशावर, 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 निशावर। हप्पू सिंह जी, आप मेरे बाथरूम में क्या कर रहे थे? बताइए बताइए, क्या कर रहे थे आप? What are you doing inside my bathroom, damn it? गोरी मैम, वो क्या बताएं, वो राउंड अप पे निकली थी ससुर, तो टेंशन में अचानक ऐसे प्रेशर सो बन गओ। दाएं बाएं देखो, कछु मिलू नहीं है, तो फिर हम इतनी घुसी आए। Happens sometimes, you know. लेकिन हम तो नीचे ही बैठे थे, आप कहाँ से आए? भाभी अंगूरी, का बताएं ससुर, मामलो बड़ो जल्दी में हाथों, तो वो पाइप पकड़ के ही आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, भाभी जी का टॉयलेट क्या आपने सार्वजनिक शौचालय समझ रखा है, जो यहाँ फिरने चले आए? इन्हें समझाएं हम क्या समझ रखो है? तिवारी जी, दिमाग खराब हो गया आपका, पागल हो गया, यू क्रेजी मैड हो गए क्या आप? चुप रहिए। का आपके घर पे बाथरूम नहीं है का? अरे एक मिनट एक मिनट, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बाथरूम में से एक लड़की के चीखने की आवाज आई है। गोरी मैम, वो कहा है कि ससुर जब कभी हम रात में तेज मिर्चन वालू खाना खा लेते ना, तो ऐसे ही चीखे निकलती ससुरी बाथरूम से, पतली वाली। What's wrong with everybody? ये हो क्या रहा है मेरे घर में? Just calm down, baby. Just calm down. तुम जाके नीचे बैठो, मैंने की बदतमीजी को फ्लश करके आता हूँ। चलो चलो चलो, कमर 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 कमर, गो गो गो, चलो 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 चलो। अपने घर में बाथरूम नहीं जा सकते? जी जी जी। थैंक यू अप्पू सिंह जी, थैंक यू, मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगा? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो बताओ, तुमने तो बाथरूम तक के नहीं छोड़ो ससुर जी। जो आप समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है अप्पू सिंह जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ना, हमें कहा लेने देने यार, कच्छू करो तुम। ऐसे चुपचाप निछावर निकाल लूं बस। मैं करता हूं, मैं करता हूं। निछावर लेके जाएंगे हम, निछावर देता हूं, देता देता हूं। अरे यार, तुम निकलिए तो सही, जाइए ना, प्लीज जाइए। मैं करता हूं, मैं करता हूं, आजकल मैं करता हूं। चलिए 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 चलिए। अरे ठहर जा ठहर जा। अरे मैडम, आइए आइए आइए, प्लीज आ जाओ, अरे आप आ जाओ, आइए प्लीज प्लीज, आइए ना प्लीज, आइए ना, जल्दी 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 जल्दी, प्लीज प्लीज, दिस वे प्लीज, आइए आइए प्लीज, दिस वे। देखिए ये सीढ़ी है, इससे उतर जाइए, ओके? वापस आऊंगी। Yes, 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 yes. मेरे अंगने में तुम्हारा ना ना ला 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 ला। आ भाई, मैं सोच रहा हूँ कि आज पचफोड़न के आलू की सब्जी बनाई जाए, पूड़ियां बनाई जाए, और साथ में रायता और फिर कुछ सूजी का हलवा, बट जिससे। हाँ तिवारी जी, क्या बोलते? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या हुआ? तो फ्लर्टिंग हो गई यार, क्या? कुछ कहना चाहेंगे आप? तिवारी जी ने कहा है कि ये पर्स तुम्हारा है। उनकी तरफ क्या देख रहे हो? मैं तुमसे पूछ रही हूं, ये लेडीज पर्स तुम्हारा है? अवरबत्ती जी, आप लेडीज पर्स इस्तेमाल करते हैं? अबे विभूति, मैं अपना पर्स भूल गया था जो लेने आया हूँ। भाभी जी, ये पर्स मेरा है। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते।
तुम्हारा दोस्त लेडीज पर्स इस्तेमाल करता है? ये लेडीज पर्स ही नहीं, लेडीज के और भी कई आइटम्स हैं जो ये इस्तेमाल करता है। और का लेडीज का आइटम इस्तेमाल करता है?